आपको बता दें कि फिल्म 72 हूरे को लेकर देश भर में चल रही बयानबाजी के बीच पत्रकार अशोक पंडित की फिल्म 72 हूरे के ट्रेलर को लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां जिसमें फिल्म 72 हूरे को लेकर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने कहा कि ये खबर भ्रामक है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने फिल्म के ट्रेलर को सर्टिफिकेट देने से मना किया है। सीबीएफसी ने कहा कि भ्रामक रिपोर्टों की उलट में फिल्म को ए सर्टिफिकेट ग्रांट किया गया है। वहीं ट्रेलर अभी प्रोसेस में है। आवेदक को सूचना के तहत अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था और उसके प्राप्त होने पर संशोधनों के अधीन प्रमाणन प्रदान किया गया था। सीबीएफसी ने बताया कि 27 जून 2023 को संशोधनों को लेकर एक शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया था, जिस पर जवाब आना अभी बकाया है। इसीलिए तब तक कोई भी भ्रामक खबर नहीं फैलाई जानी चाहिए, क्योंकि मामला अभी प्रक्रिया में है। उल्लेखनीय है कि 72 हूरे का ट्रेलर 28 जून को रिलीज हुआ था। इसके बाद खबर आई थी कि फिल्म को सर्टिफिकेट देने से सेंसर बोर्ड ने मना कर दिया है। अशोक पंडित ने बताया था कि एक लाश का पांव उसमें दिखाया गया है, सेंसर बोर्ड ने जिसे हटाने के लिए कहा है। साथ ही कुरान के एक रेफरेंस को भी हटाने को कहा गया है। अशोक पंडित ने ऐसे में पूछा था कि ट्रेलर में फिल्म के ही तो दृश्य हैं, फिर इसमें समस्या क्यों। उन्होंने ऐलान किया कि इसके बावजूद भी ट्रेलर को डिजिटल रूप से रिलीज कर दिया गया है। इससे पहले इसे पीवीआर में रिलीज करने की योजना थी, लेकिन अब अंधेरी के क्लब में ये कार्यक्रम होगा। उन्होंने कहा कि वो सेंसर बोर्ड की पोल खोलेंगे। राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली एक फिल्म के ट्रेलर को रिलीज के लिए सर्टिफिकेट न देना एक गंभीर मुद्दा है। बता दें कि फिल्म को पहले ही सेंसर बोर्ड हरी झंडी दिखा चुका है, लेकिन ट्रेलर के कुछ दृश्यों पर संशोधन का काम चल रहा है। कुछ लोगों ने इस फिल्म को प्रोपोगंडा बताया है, मगर अशोक पंडित ऐसे लोगों को जवाब देते हुए कहते हैं कि जिन फिल्मों को देश विदेश में करोड़ों लोगों ने स्वीकार किया है, उसकी इंटेलिजेंस पर आप सवाल कैसे उठा सकते हैं।